92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। ये मंत्र पढ़ने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, क्या आप जानते हैं ये बात? नहीं जानते तो आज ही से जिनको अपनी तबीयत ठीक करनी है वो ये मंत्र जाप शिव जी का शुरू करें। महादेव अपने आप में देवों के देव हैं। एक सद्विचार मेरे मन में आया जो मैं आपसे शेयर करूंगी। हम कोई अच्छा विचार रखते हैं किसी के लिए और सामने वाला अगर हमारी टीका और निंदा करे तो ऐसे में अपने मन का धाड़स कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हेतु जो ठीक है हमको अपने स्व पर विश्वास होना चाहिए। तो आइए महादेव के इस दिन स्व पर विश्वास रखते हुए एक लोटा जल चढ़ाए महादेव पर और गुड मॉर्निंग वेरी 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 गुड मॉर्निंग बोलें एक दूसरे को। आज 30/1/2017 सोमवार है, आज महादेव का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में, नक्षत्र है शतभिषा, राहु का नक्षत्र है आज देर रात तक। और आज के मुहूर्त सुबह 7:17 से लेकर 8:41 तक है अमृत। सुबह 10:04 से लेकर 11:28 तक है शुभ। दोपहर 3:39 से लेकर शाम 5:03 तक है लाभ। और शाम 5:03 से लेकर 6:27 तक है अमृत। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। तो बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। मेरे गुरुजी एक भजन गाया करते थे, शिव शिव रटत है मन मेरो, निषधन धरूं मैं ध्यान तेरो, हूं तो नाथ तुम्हारो दास, अब की बेर प्रभु पारो भारो। आइए शिव आराधना करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। मुख से कहा हुआ राम और निस्वार्थ किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के स्वार्थ निस्वार्थ जुड़ी हुई इस कार्यक्रम में आपको देती हूँ शुभकामनाएं, ढेर सारी सकारात्मक फूल मेरी झोली में आपके लिए, विचारों के मेरे, और आपकी ये सुबह अत्यंत मंगल जाए ऐसी मेरी मनोभावना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सुप्रभात, ये दिन अत्यंत शुभ हो हमारे सबके लिए। आज चंद्रमा कुंभ राशि में, मेष राशि के लिए कुंभ में आ गए आज चंद्रमा। आज पैसे आने का दिन, लेकिन वहाँ केतु बैठे हुए हैं तो वो अड़चन डालते हैं आपके पैसा लाने में। ऐसे में अगर आप किसी ब्राह्मण की सेवा करें या आप कोई पशुओं को कुछ खिलाएं, तो आपको श्वान को खिलाएं तो फायदा होता है। साथ ही में आज आपका माइंड रहेगा कूल और आपके बच्चे करेंगे आपको सपोर्ट। वृषभ राशि के लिए आज चंद्रमा कुंभ में आकर काम का व्याप बढ़ाने वाले, काम बहुत करना पड़ेगा आपको। कर्मस्थल पर कोई झंझट झमेला भी हो सकता है क्योंकि केतु पर से चंद्रमा भ्रमण करेंगे और आपकी सन्मुख दृष्टि पड़ेगी घर पर, आपके सुख स्थान पर, तो सुख बढ़ेगा। आपके माता लोग आपके हेल्पर्स आपकी हेल्प करेंगे, माँ से सुख मिलेगा। मिथुन राशि के लिए आज चंद्रमा भाग्य में आकर भाग्योदय वाले संदेश लाते हैं और सन्मुख देखकर आपको ले जाते हैं यात्रा पर। आपके काम भी बढ़ते हैं, आपके सिबलिंग्स इसमें आपका साथ निभाते हैं और आपका पराक्रम भी बढ़ता है। कर्क राशि के लिए अष्टम आकर चंद्रमा थोड़ी सी देते हैं टेंशन हेल्थ के लिए, और हो सकता है आपको कोई नसों में प्रॉब्लम हो सकता है कोई पेट में प्रॉब्लम हो तो उसका ध्यान दीजिए। कोई किसी भी तरह का कोई ग्रोथ है अगर पेट में तो उसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। साथ ही में आपके स्पाउस या पत्नी या पति के साथ रिलेशन अच्छे रखिए, परिवार में आपके फिर भी खुशी छाने वाली है आज। सिंह राशि के लिए आज चंद्रमा कुंभ में आकर आपको बनाते हैं उज्जवल। आप एकदम कूल पर्सनालिटी हो जाते हैं और अपने आप को हल्का फील करते हैं। आज आप लाइट मूड में रहेंगे और पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से राहु आपको परेशान किए हुए हैं और ये केतु के साथ चंद्रमा हो सकती है शायद आपकी पत्नी या पार्टनर या स्पाउस से थोड़ी सी अनबन।
इस अनबन से बचने के लिए आपको हमेशा ही सूर्य पूजा करनी है, क्योंकि आप खुद स्ट्रांग रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज चंद्रमा आपके श्रेष्ठ में आकर आपको सावधान रहने को कहते हैं विरोधियों से, और आपके खर्चे होने के दिन जो कि अनर्गल ना हो, क्योंकि राहु के सन्मुख है चंद्रमा, तो आपको क्या करना है, आपको करनी है सूर्य पूजा, आपको गायत्री के जाप करने हैं और विरोधियों के आगे आगे नहीं होना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके बैक सीट ले लेनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी प्यारे से कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। शिव जी का स्वरूप बड़ा अजीब है, गले में नाग और सिर पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा और मृग छाला, और ये गंगाधर जो है ये अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। आइए उनकी हम दिल से आराधना करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अरे वाह, क्या कहा है कामनी करना किसी ने। तो मैं सभी को सुबह में इस दिन की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देते हुए, गुड मॉर्निंग कहते हुए आपको पैप अप करती हूँ कि आप भी एकदम अपनी हेल्थ के लिए मन को एकदम उजागर कीजिए और जानिए तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य एकदम पॉजिटिव रहकर। तुला राशि। कुंभ में आकर चंद्रमा आपको लाभ दिलवाते हैं और साथ ही में ये आपको बताते हैं कि आपको बच्चों की हेल्थ का और उनके पढ़ाई का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप पैतृक संपत्ति के विवाद को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना ही आप किसी पैसे के लेन देन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन आज के दिन आपको सपोर्ट करेंगे। वृश्चिक राशि। आज चतुर्थ में आकर चंद्रमा थोड़ा सा बेचैनी देते हैं आपको। अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तब आपको ध्यान रखना है, अगर घरेलू कलेश है तब ध्यान रखना है, अगर कोई रेनोवेशन में किचकिच होती है तो रोक दीजिए एक दो दिन काम, और फिलहाल आपके कार्यस्थल पर भी जो परेशानी आपको आ रही है उससे आज या कल में आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। धनुराशि। धनुराशि के लिए आज चंद्रमा कुंभ में आकर ले जाते हैं आपको यात्रा पर। बहुत दिनों से आपकी यात्रा अच्छी नहीं बन रही थी, अब जाकर आपको थोड़ी सी शांति मिलती है कि हाँ यात्रा में थोड़ा फायदा हुआ। इसके अलावा कोई आपका बिजनेस टूर है तो निकल जाइए, और आपका भाग्य साथ देगा इन दो दिनों में, तो बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन सभी आपका सपोर्ट करेंगे। मकर राशि। मकर राशि के लिए द्वितीय में आके चंद्रमा पैसा लाने का योग बनाते हैं। केतु ने आपका पैसा रोक रखा है बड़े दिनों से और आप बहुत परेशान हैं स्थिति को लेकर के, आधे अधूरे पैसे आते हैं और आपके परिवार वाले भी जब बात करते हैं पैसे की तो आधे अधूरे की बात करते हैं। तो स्थिति से बचने के लिए आप किसी ब्राह्मण को या किसी की सेवा कर सकते हैं, आप किसी नीडी को दे सकते हैं दान, दान उसको ना कहिए, हेल्प कर सकते हैं आप, और साथ में आपकी तबीयत का भी इलाज मिलेगा सरकार, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी पेट में समस्याएं हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। आज की रात आप चंद्रमा का दर्शन कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, आपको नींद आएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लग्न में चंद्रमा आकर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा निखार दे देते हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों से बुझा सा महसूस कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा मेकअप वेकअप कीजिए, आप थोड़ा सा अपने आप को पेपअप कीजिए, थोड़ा सा वॉक करने जाइए, दौड़ने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आपके जो स्पाउस हैं जो आपको इतने दिनों से मेंटल सपोर्ट नहीं दे रहे थे, उनको भी फील होगा कि शायद ये दो दिन आपको मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, और देंगे वो। मीन राशि। मीन राशि के लिए आपके खर्चे होने जा रहे हैं। कई बार कहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि खर्चा तभी होता है जब पैसा आता है, तो पैसा हो तो खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनाप शनाप खर्चे होने हैं आपके आज, और आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे उनके चक्कर में ना आपके खर्चे हों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये भी कि आज बैंकों से कहीं से आपको लोन नहीं उठाना है, ये मुहूर्त शुभ नहीं आपके लिए। आपके प्रेम संबंधों में हो सकती है थोड़ी अनबन, लेकिन बात आप ही को संभालनी है। मैं कामिनी खन्ना मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य बता रही थी आप सभी प्यारे समझदार भोले सुंदर श्रोताओं को। कितने दिनों से आपका लाड नहीं किया था, आज किया। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो जो चिदानंद परम आनंद आनंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा जो मेरे अंदर निवास करते हैं, जो आपके अंदर निवास करते हैं, देवों के देव महादेव शिव भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ भंडारी का भजन सुनिए, शिवोहम शिवोहम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है,
समझे आप इस बात को? उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ प्रेम पूर्वक बधाइयां देते हुए गुड मॉर्निंग और सहृदय होते हुए आपको भी कहते हुए, आप भी सहृदय रहिए दुनिया के प्रति, ताकि लोग आपको जितना प्यार करें तो आपको कमी नहीं महसूस हो किसी की किसी भी अवसर पर। देखिए मेरे साथ कौन बने हुए हैं इस समय, जिनको मैं दे सकती हूँ अपनापन और थोड़ी सी हिम्मत। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ जी, 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बोल रही हूँ, स्वागत करती हूँ आपका। शुभ नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम प्रद्युम्न वर्मा है। हाँ, मैं जबलपुर से हूँ। अच्छा, और वर्मा जी आपकी समस्या बताएं, आपकी समस्या बताएं, मैं रेडियो पर हूँ इस समय, आपकी समस्या सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। मैडम कोई स्थायी रोजगार नहीं है, अभी 5-6 वर्ष हो गया, कंटिन्यूसली जॉब तो रहती है, फिर वो जॉब स्विच कर लेता हूँ जी, और सेटिस्फेक्शन नहीं रहता जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब नहीं है अभी तक, प्राइवेट जॉब तो खूब रहती है। अच्छा, खूब रहती है आपके पास प्राइवेट जॉब? जी हाँ, और सोशल वर्क में एक्टिव हूँ जी, लेकिन सोशल वर्क में भी होता है कि एक पे छोड़ना पड़ता है जब जॉब के साथ, तो वहाँ का सोशल वर्क एंड हो जाता है, नए एरिया में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ परेशानियाँ रहती हैं। मैं चाह रहा था कि पहले जॉब के विषय में मुझे बताते कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगी। आप मुझे बताएं 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक नंबर, ईश्वर का नाम लेकर। 101 मैडम। 101। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब अभी लग सकती है, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली पूछना चाहें तो 2-2.5 साल के बाद एकदम सही से आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि वैसे आपकी पर्सनलाइज कुंडली मैंने नहीं देखी है, लेकिन जहां तक हो सके आप व्यवसाय में अगर रहें तो आपका बुद्धि ज़्यादा चलेगी, आपके जो पर्सनलाइज्ड काम है जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उससे ज़्यादा लाभ आपको आपके खुद के काम से होगा, ये आपको जानना है। ठीक है जी मैडम, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। तो ये थे हमारे एक स्नेही जिन्होंने हमसे बात की। कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए कामिनी खन्ना को दीजिए आशीर्वाद भी, आज्ञा भी, धन्यवाद, नमस्कार। और जोरदार घोषणा हो जाए तो एक बार जोरदार घोषणा कीजिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, और साथ में कीजिए शिव शंकर भोलेनाथ की आरती, जय शिव ओमकारा। दिन को अति उत्तम बनाइए।